हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे मोड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बच्चों, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? इट इज़ ए रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल ऑर्गेनिजम्स आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिटी प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्प्रिंग को बना सकता है। वेर एज इन द केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यू नो दैट ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑपोजिट सेक्सेस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दी ऑफ स्प्रिंग। क्लियर बच्चों? अब देखिए फिजन क्या है। नाउ फिजन मीन्स इन बायो ब्रेक, टू ब्रेक। तो जब भी कोई चीज़ टूटता है बच्चों, उसको बोलते हैं फिजन। तो फिजन में क्या होता है? डेफिनेटली पेरेंट सेल टूट के डॉटर सेल्स बनते हैं बच्चों। जिस केस में टू डॉटर सेल्स बनता है, जैसे ये आपका सेल है, यहाँ पे देखिए दिस सेल इज कॉल्ड पेरेंट सेल। पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल, डी सी डी सी। तो ये फिजन हुआ बच्चों, टूटा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। क्यों बाइनरी बच्चों? क्योंकि यहाँ पे दो सेल्स बनते हैं, और अगर बहुत सारे सेल्स बनते हैं यहाँ पे, तो उसका नाम क्या होना चाहिए बच्चों? मल्टीपल फिजन। सो मल्टीपल फिजन इज अ प्रोसेस इन विच सिंगल सेल आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिटी प्रोड्यूसेस मोर देन टू डॉटर सेल्स, प्रोड्यूसेस मोर देन टू डॉटर सेल्स। सो वेन टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिजन, वेन मोर देन टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल फिजन। ठीक है बच्चों, अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजन इज अ प्रोसेस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच सेल स्प्लिट इन टू टू और मोर पार्ट्स एंड ईच पार्ट ग्रोज एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स, बाइनरी फिजन इन अमीबा। देखिए बच्चों, इन अमीबा द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट। तो पहले फिगर देख लेते बच्चों, को समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए हियर दिस इज न्यूक्लियस, ये जो काला कलर का दिख रहा है बच्चों न्यूक्लियस है। सो फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, देन आफ्टर दैट द कंस्ट्रिक्शन डीपेंस। कंस्ट्रिक्शन मतलब बच्चों सेल के अंदर में ऐसा जो अंदर की तरफ बनता है बच्चों, इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्शंस। ठीक है बच्चों, एंड द कंस्ट्रिक्शन डीपेंस एंड फाइनली द सेल डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। ओके, अब देखिए क्या है। नाउ इन अमीबा क्या बोलेंगे बच्चों? इन अमीबा न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट, न्यूक्लियस पहले टूटता है बच्चों, देन द कंस्ट्रिक्शन अपीयर। मैंने बताया था कंस्ट्रिक्शन किसको कहते हैं, आपका ये ऐसे होता है बच्चों और आपका ये होता है। तो ये जो बीच में बना है बच्चों, अंदर की तरफ जो डिप्रेशन दिख रहा है आपको, इसी को कहते हैं कंस्ट्रिक्शन। तो पहले सिंगल सेल रहता है बच्चों, सिंगल सेल के बाद जब उसमें कंस्ट्रिक्शन आता है, और जब कंस्ट्रिक्शन डीपन्स होता है, तो यू गेट टू डॉटर सेल्स। इज इट क्लियर बच्चों? उसके बाद आगे देखिए, सिंगल सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ फिजन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। चलिए अब आगे देखते हैं। बाइनरी क्यों? बिकॉज टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। नाउ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए बच्चों, इन अमीबा द स्प्लिटिंग कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। मतलब बच्चों अमीबा कैसे भी कट सकता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, सो इट कैन स्प्लिट लाइक दिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट कैन स्प्लिट लाइक दिस। एम राइट और रॉन्ग बच्चों? इट कैन स्प्लिट लाइक दिस और इट कैन स्प्लिट लाइक दिस। सो इन एनी प्लेन अमीबा कैन स्प्लिट। अमीबा बड़ा खतरनाक है बच्चों, खतरनाक मतलब सबसे पहले अमीबा का कोई शेप नहीं है, दूसरा अमीबा कहीं से भी फूड खा सकता है और कहीं से भी निकाल सकता है, यू नो दैट राइट। अमीबा फॉर्म्स फूड, यू नो टेक द फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, और अमीबा कहीं से भी फूड निकाल सकता है। सो आई कैन से दैट अमीबा इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिज्म। ओके, जो कहीं से भी स्प्लिट हो सकता है, कहीं से भी फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है, कहीं से भी फूड को निकाल सकता है, राइट। इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म, करेक्ट। नेक्स्ट इज लेशमैनिया विच कॉजेस काला अजर विच हैव ए विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल। बाइनरी फिजन अकर इन ए डेफिनेट ओरिएंटेशन इन एवोल्यूशन टू देयर स्ट्रक्चर्स। मतलब बच्चों जो आपका लेशमैनिया है, उनका बॉडी कहीं से भी स्प्लिट नहीं हो सकता लाइक अमीबा। सो देयर बॉडी स्प्लिट्स थ्रू ए पर्टिकुलर प्लेन। बच्चों एक पर्टिकुलर प्लेन से ही हर बार उनका बॉडी
स्प्लिट होगा, दूसरे प्लेन से स्प्लिट नहीं होगा। इसका मतलब आप देख रहे हो थोड़ा सा डिसिप्लिन है यहाँ पे डिवीजन में, अमीबा में कोई डिसिप्लिन नहीं था बच्चों। यहाँ पे क्या है, द ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल्स थ्रू ए पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ओनली, अलोंग ए पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ओनली, क्लियर। अब आगे देखते हैं बच्चों, नो नेक्स्ट इज मल्टीपल फ्यूजन, मैंने बता दिया था क्या है बच्चों। इन मल्टीपल फ्यूजन ए सिंगल पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स, एग्जांपल प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ए सिस्ट और प्रोटेक्टिव वॉल इज फॉर्म्ड अराउंड ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इनसाइड द सिस्ट द न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स बच्चों टू फॉर्म मल्टीपल डॉटर सेल्स। इन दिस वे मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सेल विद इन द सिस्ट। एंड व्हेन द फेवरेबल कंडीशन अराइव्स, व्हेन द फेवरेबल कंडीशन अराइव्स द सिस्ट ब्रेक्स इन ओपन एंड डॉटर सेल्स प्रेजेंट इन इट आर रिलीज्ड ईच फॉर्मिंग ए न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, यानी क्या समझ में आया, आप फिगर में फोकस करिए तो समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये आपको जो फर्स्ट फिगर में दिख रहा है ये है आपका ऑर्गेनिज्म, करेक्ट। बाहर में सिस्ट भी बना हुआ है बच्चों, सिस्ट इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, ओके, विच प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है बच्चों, अब सिस्ट के अंदर में जो सेल है बच्चों वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ओके, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है सो दिस सिस्ट ब्रेक्स बच्चों, रिलीजिंग ऑल दी सेल्स इन टू दी सराउंडिंग। तो यही है बच्चों, क्लियर है, इसी को कहते हैं मल्टीपल फिशन बिकॉज हियर मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। कोई डाउट नहीं बच्चों, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे अबाउट प्लाज्मोडियम देखते हैं। सी प्लाज्मोडियम बोलता है अबाउट 1000 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाई ए सिंगल मल्टीपल फिशन ऑफ वन प्लाज्मोडियम सेल, यानी एक प्लाज्मोडियम सेल बच्चों 1000 डॉटर सेल्स को बनाता है। सोच के देखिए, आपका बाइनरी फ्यूजन में केवल एक पेरेंट से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम वन पेरेंट कैन प्रोड्यूस 1000 डॉटर सेल्स। माय गुडनेस, प्लाज्मोडियम इज ए मलेरियल पैरासाइट बच्चों, इसके वजह से मलेरिया का बीमारी होता है। इज इट क्लियर बच्चों? अभी नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रोड्यूसेस मलेरिया डिजीज इन ह्यूमन बींग। नेक्स्ट बच्चों, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम इज कैरीड बाई फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, देयर बाई स्प्रेडिंग द मलेरिया डिजीज़। ये तो आपको मालूम ही है बच्चों कि मॉस्किटो के वजह से मलेरिया फैलता है बच्चों, मलेरिया होता नहीं है, याद रखिए, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के वजह से, विच इज़ ए प्रोटोजोवन, और ये प्लाज्मोडियम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है बाई फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। जब मॉस्किटो बच्चों डिजीज्ड पर्सन को बाइट करता है ना, तो प्लाज्मोडियम एंटर्स इनटू देयर बॉडी, एंड व्हेन दिस फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट्स द हेल्दी पर्सन एंड थ्रू द बाइट इट द प्लाज्मोडियम एंटर्स इनटू द हेल्दी बॉडी। तो ऐसे करके बच्चों डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक प्लाज्मोडियम विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटो आ जाता है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बडिंग, बड मतलब बच्चों, फिगर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है हाइड्रा, ठीक है। अब देखिए हाइड्रा में इस जगह पे एक छोटा सा आउटग्रोथ आया है बच्चों, इसी आउटग्रोथ को कहते हैं बड, एंड दिस बड अराइजेस ड्यू टू मल्टीपल सेल डिवीजन। तो इस एरिया में बच्चों बहुत सारा सेल डिवीजन्स होता है जिसके वजह से बड डेवलप हो जाते हैं बच्चों। सेल डिवीजन तो मालूम है, सेल का टूटना, तो जब बहुत सारा सेल डिवीजन होगा बच्चों तो बहुत सारे सेल्स पैदा होंगे और वहाँ पे एक बड डेवलप हो जाएगा। लेटर बच्चों ये बड पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, उसमें टेंटिकल्स देखिए ऊपर में वो भी आ जाते हैं। देन फाइनली आफ्टर द कंप्लीट मैच्योरिटी डेवलपमेंट दिस स्मॉल हाइड्रा डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड देयर इट ग्रो एज ए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और वहाँ वो बच्चों अपना आप से ग्रो करना शुरू हो जाता है। आया कुछ समझ में? सिंपल लॉजिक, चीज़ को सिंपल रखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, ओके। अब बात करते हैं, देखिए बडिंग क्या लिखा है बच्चों,
बडिंग इज अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेयर ए बड एराइजेस एज आउट ग्रोथ ऑन द पेरेंटल बॉडी. आउट ग्रोथ यानी थोड़ा सा फूल के बाहर निकल जाता है बच्चों. दीज बड्स डेवलप्स इन टू टाइनी इंडिविजुअल. ओके, लेटर ये जो बड है, जो आउट ग्रोथ है बच्चों, एक छोटा सा हाइड्रा का रूप ले लेता है. एंड वेन फुल्ली मेच्योर डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, बडिंग इन हाइड्रा देखते हैं क्या होता है. वही तो है मैं समझाया था. इन हाइड्रा ए बड डेवलप एज एन आउट ग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन एट वन स्पेसिफिक साइट. दीज बड्स डेवलप इन टू टाइनी इंडिविजुअल एंड वेन फुल्ली मेच्योर डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम्स न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. क्लियर? फिगर बना दीजिएगा. फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. आप बडिंग इन ईस्ट देखिएगा. करेक्ट? अब फिगर देखोगे आपको समझ में आएगा. ये है बच्चों, तो ये है ईस्ट. अब ईस्ट आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी प्रोड्यूसेस वन बड. लेटर अबव दिस बड वन मोर बड इज प्रोड्यूस्ड एंड यू गेट ए चेन ऑफ बड. मतलब बच्चों, यहाँ एक बड बनता है, उस बड के ऊपर और एक बड बनता है, उस बड के ऊपर और एक बड बनता है, तो यू गेट ए चेन ऑफ बड्स बच्चों. जब ये सारे बड्स अच्छी तरह से डेवलप हो जाते हैं बच्चों, दे गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ग्रो एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. इसको मल्टीपल बडिंग बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ बहुत सारा बड्स बनता है. क्लियर है? चलिए, वेरी गुड. अब ईस्ट के बारे में जान लेते हैं. तो ये है कि भाई देखिए, ए बड अपीयर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी सेल बॉडी. दीज बड फर्दर प्रोड्यूसेस मोर बड्स ऑन इट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ बड्स. बड का चेन बन जाता है. वेन बड्स आर फुल्ली फॉर्म्ड दे गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड फॉर्म इंडिविजुअल ईस्ट. समटाइम्स ए सिंगल बड गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल. अगर सिंगल बड बना है बच्चों, तो सिंगल बड टूट के ग्रो करेगा. अगर मल्टीपल्स बड बने हैं, तो मल्टीपल्स बड टूट के ग्रो करेंगे. सिंपल बात है बच्चों. अब देखिए अबाउट ईस्ट. ईस्ट के बारे में, ईस्ट इज ए टाइनी यूनिसेल्यूलर नॉन ग्रीन प्लांट है बच्चों. आप बोलेंगे सर ये क्या प्लांट्स, तो मैंने ग्रीन सुना है, नॉन ग्रीन क्या है? नॉन ग्रीन मतलब बच्चों, प्लांट्स इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. सो क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. आप बोलेंगे सर फिर जब क्लोरोफिल है ही नहीं, इसको प्लांट क्यों बोलते हैं? बच्चों इसको प्लांट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे हैव सेल वॉल. क्लियर? नाउ ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाई बडिंग. अब आगे देखते हैं फ्रेगमेंटेशन. सिंपल बताओ फ्रेगमेंटेशन. फिगर देखिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा. देखिए ये जो पूरा दिख रहा है, ये है स्पायरोगायरा, ए सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी ब्रेक्स इंटू मैनी पीसेस एंड ईच पीस इज कॉल्ड फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट लेटर यू नो कम्प्लीट देयर बॉडी. हर फ्रेगमेंट बच्चों अपने बॉडी को कंप्लीट कर लेता है, यानी अपना सर पैर जो भी है बना लेता है. एंड दे ग्रो एज ए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म बड़ा हुआ, उसके बॉडी टुकड़े में टूट गए और हर टुकड़ा फिर से वो ऑर्गेनिजम्स का रूप लेके जीना शुरू कर देता है. यानी टुकड़े से बच्चों कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बन जाता है. ठीक है, ये है आपका फ्रेगमेंटेशन. अब देख लीजिए हल्का सा क्या लिखा है बच्चों. इट इज़ ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिजम्स विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑन मैच्योरेशन ब्रेक्स अप इंटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड फ्रेगमेंट्स. ठीक है बच्चों, तो छोटे पीस में टूट जाते हैं जिसको फ्रेगमेंट्स कहते हैं. ईच फ्रेगमेंट सब्सिक्वेंटली ग्रो टू फॉर्म ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स. और हर एक फ्रेगमेंट बच्चों, हर एक टुकड़ा फिर से ग्रो कर जाता है और कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का रूप लेके जीना शुरू हो जाता है. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल यूलेथ्रिक्स स्पायरोगायरा सी एनिमोन्स. ओके, नोट पढ़ लीजिएगा बच्चों, नोट सिंपल है. अबाउट स्पायरोगायरा देखिए क्या है भाई. स्पायरोगायरा इज अ ग्रीन फिलामेंटियस एल्गे प्लांट. तो ये ग्रीन है बच्चों, फिलामेंट्स है. फिलामेंट मतलब पतला पतला लंबा लंबा जैसे होगा बच्चों. एल्गे आपको मालूम है विच इज ग्रीन इन कलर, ग्रो वेयर वाटर इज प्रेजेंट प्लांट. ओके बच्चों, चलिए अब डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन क्या फ़र्क है देखिए बच्चों. देखिए फिजन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वेयर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स.
फ्रैगमेंटेशंस होता है बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वेद ऑर्गेनिज्म आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी ब्रेक्स इनटू मेनी पार्ट्स एंड ईच पार्ट लेटर ग्रो एज ए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स। सिंपल ना बच्चों, रीजनरेशन, देखिए फिगर देखिए, रीजनरेशन भी एकदम आपका फ्रैगमेंटेशन जैसा ही है बच्चों। देखिए दिस इज द ऑर्गेनिज्म आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी, इट ब्रेक्स इनटू मेनी पार्ट्स बच्चों एंड ईच पार्ट लेटर डेवलप्स द लॉस्ट पार्ट एंड ग्रो एज ए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। बात समझ में आ गई बच्चों? लेकिन रीजनरेशन उसी ऑर्गेनिजम्स में होता है बच्चों जिनका बॉडी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जिनके बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और कुछ टिश्यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। नाउ सपोज दिस इज ऑर्गेनिज्म, ये टूट के तीन टुकड़ा बन गए बच्चों। मान लीजिए ऊपर के टुकड़े में, मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ बच्चों, देखिए। नाउ दिस इज ऑर्गेनिज्म, ओके, दिस ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू थ्री पार्ट्स। अब बच्चों ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर में बताया था कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और होते हैं कुछ टिश्यूज, करेक्ट। ब्रेक होने के बाद में बच्चों जिस टुकड़े में ये स्पेशलाइज्ड सेल होगा, ये स्पेशलाइज्ड सेल को मतलब हम लोग रीजेनरेटिव सेल्स भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? रीजेनरेटिव सेल्स। सो जिस टुकड़े में ये रीजेनरेटिव सेल होगा बच्चों वही टुकड़ा ग्रो करेगा। इस टुकड़े में देखिए रीजेनरेटिव सेल नहीं है बीच वाला, तो ये ग्रो नहीं करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? इसका मतलब बच्चों रीजेनरेशन में सारा टुकड़ा ग्रो नहीं करता है, वही टुकड़ा ग्रो करता है जिसमें होते हैं रीजेनरेटिव सेल्स, यानी वो स्पेशलाइज्ड सेल को ही कहते हैं रीजेनरेटिव सेल्स। आप बोलेंगे सर रीजेनरेटिव सेल्स क्या है? रीजेनरेटिव सेल्स एक स्पेशल सेल है बच्चों जिसके पास ये एबिलिटी होता है कि वो डिवाइड हो और फिर से सारे टिश्यूज़ और कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स को बना दे, इसलिए इसका नाम दिया गया है रीजेनरेटिव, यानी वो फिर से रीजेनरेट ऑर्गेनिजम्स को कर सकता है। लेकिन आपके फ्रैगमेंटेशन में या तो ऐसा नहीं है फ्रैगमेंटेशन में। फ्रैगमेंटेशन में हर टुकड़ा एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बन सकता है, लेकिन रीजेनरेशन में बच्चों वही टुकड़ा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन सकता है जिसके पास होती है स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड रीजेनरेटिव सेल। अदरवाइज बाकी सब एकदम फ्रैगमेंटेशन जैसा ही है बच्चों। देख लीजिए पहले क्या है, चीज को समझिए, बेसिक को समझिए। देखिए रीजेनरेटिव इज अ प्रोसेस वेयर अ फुल्ली डिफरेंशिएटेड इंडिविजुअल ब्रेक्स इनटू नंबर ऑफ पीसेस, मेनी ऑफ दीज इंडिविजुअल ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। एग्जांपल हाइड्रा प्लानेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज रीजेनरेशन। सिंपल है बच्चों। तो प्लानेरिया में, हाइड्रा में देखिए बच्चों बडिंग भी होता है और रीजेनरेशन भी होता है, ठीक है। नाउ रीजेनरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कैरीड आउट बाई ए स्पेशलाइज्ड सेल्स, दीज सेल्स प्रोलीफरेट्स एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। मतलब बच्चों जैसे ये एक सेल है, इसको बोलेंगे रीजेनरेटिव सेल, RC रीजेनरेटिव सेल। ये सेल बच्चों डिवाइड होके बहुत सारा सेल्स अपने चारों तरफ बनाते रहते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये जो बहुत सारा सेल्स बनता है बच्चों, इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोलीफरेशन। व्हाट डू वी कॉल? प्रोलीफरेशन। सो आफ्टर प्रोलीफरेशन वी गेट ए मास ऑफ सेल्स बच्चों, बॉल ऑफ सेल्स। लेटर दिस बॉल ऑफ सेल्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ये बच्चों बाद में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज बन जाते हैं और ऐसे करके ये पूरे ऑर्गेनिजम्स को बना देते हैं, ठीक है ना बच्चों। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज, ठीक है बच्चों। दिस चेंजेस टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट। तो ये जो बदलाव होता है बच्चों एक सीक्वेंस में होता है, यानी पहले एक क्रिया होती है फिर दूसरा क्रिया होती है और इसी को कहते हैं डेवलपमेंट। पूरा क्लियर बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखिए रीजेनरेशन इन प्लानेरिया क्या होता है। प्लानेरिया इज ए फ्लैट फॉर्म विच इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स। प्लानेरिया पोसेसेस ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन। इफ द बॉडी ऑफ द प्लानेरिया सम हाउ गेट्स कट, मतलब उनका बॉडी बच्चों अगर
प्लानेरिया जब मैच्योर हो जाता है ना, तो उनका बॉडी अपने आप से ब्रेक हो जाता है बच्चों, या तो पानी के स्ट्रीम के फोर्स के वजह से, या तो किसी कारण उनका बॉडी अपने आप से टूट जाता है। और हर टुकड़ा ना हर टुकड़ा जिस टुकड़े में रीजेनरेटिव सेल्स होता है बच्चों, वो टुकड़ा फिर से एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का रूप ले लेता है। और जिस टुकड़े में रीजेनरेटिव सेल नहीं है, वो टुकड़ा पूरा ऑर्गेनिजम्स का रूप नहीं लेता है। क्लियर है बच्चों, यही फर्क है। देखिए, देन ईच ऑफ दीज बॉडी पार्ट्स कैन रीजेनरेट। तो ये रीजेनरेट कब होगा बच्चों? जब उसमें रीजेनरेटिव सेल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इंटू ए कम्प्लीट प्लान एरिया बाई ग्रोइंग ऑल द मिसिंग पार्ट्स। ठीक है बच्चों, पूरा समझ में आ गया। चलिए एक्सरसाइज देख लीजिए बच्चों। रीजेनरेशन कैन बी यूज्ड, रीजेनरेशन कैन बी यूज्ड टू रिप्रोड्यूस ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली फ्यू स्पेशलाइज्ड सेल्स। इन रीजेनरेशन उसी ऑर्गेनिजम्स में होते हैं बच्चों जिनका बॉडी डिज़ाइन होता है सिंपल, यानी जिनमें होते हैं ओनली टिश्यू लेवल एंड एंड दे कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑल्सो। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स है बच्चों, जैसे एनिमल्स हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, देखिए इनका बॉडी क्या कॉम्प्लेक्स है। इनके बॉडी में होता है टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। सो दोज ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मल्टीप्लाई यूजिंग रीजेनरेशन। ठीक है बच्चों, उनके लिए फिर अलग प्रोसेस है। अब बात करते हैं स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन की बात करेंगे बच्चों। दिस इज अनदर मेथड इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड। अब स्पोर्स क्या, देख लीजिए बच्चों, लिखा देखिए। स्पोर्स आर, क्या लिखा है बच्चों? स्पोर्स आर यूजुअली स्मॉल स्फेरिकल यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाई सम फंगाई बैक्टीरिया एंड एल्गाई। तो स्पोर्स बच्चों छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे डस्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। ठीक है बच्चों, एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई फंगाई बैक्टीरिया और एल्गाई। मतलब ये जो डॉट मैं बना रहा हूँ बच्चों, देखिए स्क्रीन में दिख रहा है आपको, आप इसी डॉट को बोल सकते हो स्पोर्स। तो ये स्पोर बच्चों एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में आप देख सकते हैं एक एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। नाउ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। तो स्पोर्स कहाँ बनता है बच्चों? स्पोरेंजिया में बनता है। स्पोरेंजिया पूरे ऑर्गेनिजम्स का नाम है जो स्पोर्स बनाता है। स्पोरेंजिया आर ब्लॉब प्रेजेंट ऑन द फंगल हाइव पे। तो बच्चों ये जो ऑर्गेनिज्म है, देखिए फिगर देखिए, ये फिगर के ऊपर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो गोल गोल सा बॉल जैसा, यही है स्पोरेंजिया बच्चों। ओके, सिंगुलर है स्पोरेंजियम। सो इनसाइड द स्पोरेंजियम यू कैन फाइंड मैनी मैनी डस्ट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स। ठीक है बच्चों, नाउ ऑन अटेनिंग मेच्योरिटी, एग्जाम्पल रहीजोप्स। बच्चों ये जो रहीजोप्स है ये ऑर्गेनिज्म का नाम है। ठीक है, और स्पोरेंजिया आर ब्लॉब प्रेजेंट ऑन ए फंगल हाइफे। हाइफे मतलब ये जो आपका दिख रहा है बच्चों, ये जो पतला पतला स्ट्रक्चर, इसी को बोलेंगे फंगल हाइफे। क्या बोलेंगे बच्चों? फंगल हाइफे। तो ये हाइफे के ऊपर में होता है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर होता है स्पोर्स। ठीक है बच्चों, ऑन अटेनिंग मेच्योरिटी, ऑन अटेनिंग मेच्योरिटी द स्पोरेंजिया बर्स्ट रिलीजिंग स्पोर्स इन टू द सराउंडिंग। सो जब स्पोरेंजिया मेच्योर हो जाता है बच्चों, स्पोरेंजिया बर्स्ट होके उसके अंदर में जो स्पोर्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। स्पोर्स आर कवर्ड बाई थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। और स्पोर्स के चारों तरफ में बच्चों थिक वॉल होते हैं सिस्ट की तरह, जो इनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचा के रखते हैं। ठीक है बच्चों, व्हेन स्पोर्स गेट सूटेबल कंडीशंस, जब बाहर का कंडीशन फेवरेबल हो, अच्छा हो, तो स्पोर्स जर्मिनेट होके फिर से बाहर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, जस्ट सीड की तरह, जैसे सीड को पानी मिलेगा, सनलाइट मिलेगा बच्चों, तो सीड जर्मिनेट होता है ना, वैसे ही स्पोर्स भी
जब फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं दे जर्मिनेट्स, ओके बच्चों, एंड फॉर्म ए कंप्लीट फंगल बॉडी, और बाद में यही स्पोर से फिर से पूरा फंगस बन जाता है, यानी फंगल हाइफे बन जाते हैं, फिर उसके ऊपर में ब्लॉब आ जाता है जिसको कहते हैं स्पोरेंजिया, फिर बाद में स्पोरेंजिया मेच्योर होकर बस्ट हो जाते हैं और उसके अंदर के जो स्पोर से वो बाहर निकल जाते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बच्चों देखिए, नाउ मोस्ट ऑफ द फंगाई लाइक राइजोपस, म्यूकर एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल है बच्चों फंगस का, बहुत सारे फंगस होते हैं, फंगस इज ए ब्रॉड नेम जस्ट लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोवन, वायरस, तो सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फंगस इज राइजोपस एंड म्यूकर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मोसेस रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन से कौन कौन रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों, एक फंगाई करते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सम प्लांट्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, सम प्लांट्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, सो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फर्न, ये एग्जाम्पल है बच्चों, एंड मोसेस ये भी एग्जाम्पल है बच्चों, तो ये दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, यानी इन सब में स्पोर्स से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, हाउ मोइस्ट ब्रेड डेवलप ब्रेड मोल्ड, अब देखिए बच्चों आपने देखा होगा गीला ब्रेड के ऊपर में ब्लैक कलर का एक फंगस डेवलप हो जाता है, राइट, बाद में वो ब्लैक बन जाता है, वाइट कलर के भी देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड फंगस। अब देखिए क्या है ये कहानी, सी टाइनी पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड बच्चों एक फंगस का नाम है, ये हवा में हमेशा तैरते रहते हैं बच्चों, ठीक है। इफ वी कीप मोइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड फॉर ए फ्यू डेज देन द स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड प्लांट प्रेजेंट इन द एयर सेटल्स ऑन द मोइस्ट ब्रेड, तो बच्चों हवा में जो स्पोर्स होते हैं, किसका स्पोर्स, ब्रेड मोल्ड का, दीज स्पोर्स डिपॉजिट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मोइस्ट ब्रेड, ओके। नाउ सिंस द ब्रेड कंटेन्स लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट कंटेन्स वाटर ऑल्सो, सो वी कैन से दैट कंडीशन इज फेवरेबल, सो इन दैट फेवरेबल कंडीशंस दैट स्पोर्स जर्मिनेट्स एंड प्रोड्यूसेस द फंगस ओवर द ब्रेड, ओके बच्चों। द ब्रेड मोल्ड प्लांट फर्स्ट लुक लाइक ए वाइट कॉटनी मास, तो पहले बच्चों ब्रेड के ऊपर में आपको वाइट कलर के कॉटन जैसा मास दिखाई देगा, लेटर दिस टर्न्स इनटू ब्लैक, आप 3-4 दिन उसको रख दोगे बच्चों तो ये जो वाइट कलर का कॉटनी मास बना है ये लेटर ऑन चेंजेस इनटू ब्लैक कलर, तो समझे बच्चों। तो हवा में हमेशा ये जो स्पोर्स है ये तैरते रहते हैं बच्चों, हम लोग जब सांस लेते हैं देन ऑल्सो वी इनहेल लॉट्स ऑफ यू नो स्पोर्स इनटू आर लंग्स, बट बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडीज वी हैव इनसाइड आर लंग्स इट गेट्स किल्ड, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। तो हवा में डस्ट की तरह बहुत सारे व्हाट स्पोर्स तैरते रहते हैं, स्पोर्स आर वेरी लाइट पार्टिकल्स दैट फ्लोट्स ऑन द एयर, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं अबाउट ब्रेड मोल्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए बच्चों, पहला क्या लिखा है, द कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट कंसिस्ट ऑफ फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड हाइफे एंड थिन स्टेम हैविंग नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया, ठीक है बच्चों। तो क्या समझ में आया, ये जो पतला स्ट्रक्चर रहता है इसको बोलते हैं हाइफे, एच वाई पी ए ई, हाइफे के ऊपर में ऐसे करके गोल सा स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है बच्चों, और स्पोरेंजिया के अंदर होता है स्पोर्स, ये है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, ईच ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर और स्पोरेंजिया कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइन्यूट स्पोर्स इनक्लोज्ड इन ए स्पोर केस, ओके। व्हेन द स्पोर केस बर्स्ट, जब स्पोर का ऊपर का कवर टूटता है बच्चों, द टाइनी स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड इन एयर, दी स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स विच कैन प्रोड्यूस मोर ब्रेड मोल्ड प्लांट अंडर सूटेबल कंडीशंस, नोट
द एंटीबायोटिक ड्रग कॉल्ड पेनिसिलियम, वो भी एक तरह का फंगस ही है बच्चों। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, द स्पोर फॉर्मेशन मेथड, देखिए द स्पोर फॉर्मेशन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूज्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम, सम ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, वेर एज फंगई सच एज रहीजोपस, रहीजोपस का ही दूसरा नाम है बच्चों ब्रेड मोल्ड, याद रखिए, एंड म्यूकर एंड नॉन, ये तो मैंने बता दिया था मैंने, एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड मोसेस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस बाई स्पोर फॉर्मेशन मेथड। तो स्पोर फॉर्मेशन बच्चों यूनिसेलुलर के केस में भी होता है, ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ बैक्टीरियाज में देखा जा सकता है, ओके, कुछ फंगस में देखा जा सकता है, एंड यू कैन सी इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड मोसेस ऑल्सो विच आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो बाय दिस बच्चों आज हमने डिस्कस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, लाइक पहला हमने डिस्कस किया था व्हाट इज फिजन, दो तरह का फिजन होता है, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बच्चों व्हाट बडिंग, ओके, बडिंग वी हैव सीन इन हाइड्रा एंड वी हैव सीन इन ईस्ट। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद रीजेनरेशंस, उसके बाद बच्चों ने डिस्कस किया स्पोर फॉर्मेशन, ओके। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे बच्चों ऑर्गेनिजम्स अंडरगो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सिंपल होता है एंड दिस इज डन बाय सिंपल ऑर्गेनिजम्स ओनली, इधर यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। होप आपको समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट है तो चिंता मत करिए, मुझे कॉल करिए, और जब मैं ऑफलाइन क्लास लूँगा तो भी आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।